Hello friends, this is Consulting Technical Chef. Hope you are doing well. In this video tutorial, I am going to teach you how to download a open source GIS data from different websites. As you know, there are number of websites we can easily download a different country boundaries shape files. Initially, all GIS ke jo user hote hain unke liye input data ka issue hota hai. Most of the time वो डेटा को ईजिली डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करते हम ईजिली किसी भी कंट्री के बाउंड्रीज को शेप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी वो आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो ज़रा मूव करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करते हम ईजिली डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। As you know, there are number of websites जिनको use करते हुए आप data download कर सकते हैं, लेकिन हमने top 5 best websites को shortlist किया है। इसमें से top first पे DivaGIS है, second number पे है Global Administrative Areas Database, and third one is Natural Earth Day, and fourth one is GeoFabric, and fifth one is BB Bike Extract. In all websites के ऊपर आप data easily किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब ज़रा मैं आपको प्रैक्टिकली डेटा डाउनलोड करके बताऊंगा कि हम कैसे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू नीड दिस लिंक तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके इस वर्ड फाइल की लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लें। और आप इन लिंक्स को जस्ट कॉपी करके अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर लें। आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे जो टॉप 5 वेबसाइट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं। इसमें से फर्स्ट में हमने DivaGIS रखा है, इसमें से सबसे फर्स्ट DivaGIS है। सो इसमें से आप किसी भी कंट्री के आपके जो भी कंट्री का भी रिक्वायरमेंट है आप उस पर क्लिक कर लें। जस्ट आई नीड ए पाकिस्तान, सो आई विल क्लिक इट पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे क्लिक कर लिया और इसके अंदर डिफरेंट डेटा अवेलेबल है। इसमें से आपके लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है उसी एट्रीब्यूट को आप सेलेक्ट कर लें। अब मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज रिक्वायर्ड हैं, जस्ट आई क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, देन आई विल क्लिक ओके। ये हमारे पास ऐसे लेआउट ओपन हो जाएगा और इस एक्सटेंशन पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर लें तो आपके पास डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई ऑलरेडी डाउनलोड दिस डेटा, सो आई नॉट नीड इट। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अच्छा, सेकेंड नंबर जो है हमारे पास क्लिक कर लेंगे, डेटा पर जाएंगे, यहाँ से आप कंट्री पे क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें, आपकी जो भी कंट्री लाइक आई नीड इंडिया पे मैंने जस्ट क्लिक कर लिया। और यहाँ से लेवल 0, लेवल 1, 2 एंड 3, इसमें आपके पास कंट्री लेवल के ऊपर जो है, देन प्रोविंशियल लेवल पे, देन आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपकी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ड्रॉ की गई हैं। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी इंटरेस्ट है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेवल 0 पे ऊपर मैंने क्लिक कर लिया और ये डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और यही शेप फाइल में डाउनलोड हो रहा है। ओके, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है नेचुरल अर्थ है, इसके ऊपर भी आप जाएंगे, ये ऐसा लेआउट आपके सामने ओपन हो जाएगा, देन आपके लिए आप गेट द डेटा पर क्लिक कर लेंगे। और आप यहाँ पर डिफरेंट जो है रेजोल्यूशन के ऊपर डेटा अवेलेबल है, लाइक 1:10 के ऊपर भी है, मीडियम स्केल डेटा के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मोस्ट एक्यूरेसी और हाई रेजोल्यूशन के ऊपर हमेशा से 1:10 के ऊपर हाई रेजोल्यूशन डेटा होता है, लेकिन 1:1 के ऊपर भी हो जाए तो वो बेस्ट होता है, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर आपको 1:10 पे भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप जस्ट 1:10 के ऊपर आप क्लिक करके कल्चर पर क्लिक कर लेंगे। अब जब आप कल्चर पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ऐसे एक लेआउट ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर आप देख लेंगे कि आपके पास कंट्रीज लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं। देर आर 247 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इनकी सारी बाउंड्रीज यहाँ पर हैं। यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह प्रोविंस लेवल के ऊपर है बाउंड्रीज लाइन्स आपके पास हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ डेटा है यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो लाइन्स के ऊपर, स्केल रेंज के ऊपर, क्लेम्स के ऊपर, आप किसी पर भी क्लिक कर लेंगे तो ये आपके पास ईजली डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ नंबर पे जाते हैं, आई डोंट नीड दिस सो आई कैंसिल इट। अच्छा, फोर्थ नंबर पे जाते हैं, फोर्थ नंबर पे ओपन मैप स्ट्रीट मैप डेटा एक्सट्रैक्ट, ऐसे लेआउट आपके पास ओपन हो जाएगा।
और यहाँ से आप एशिया पे जस्ट आप क्लिक कर लेंगे। आपका जो भी सब कंटिनेंट है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके जो भी कंट्री है, फॉर सपोज आई मीन बांग्लादेश लाइक बकेट, और उसके बाद इसके ऊपर मोटी तौर अपग्रेडेड डाटा यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए कि मॉडिफाइड 19 आवर्स अगो एंड कंटेंट्स आर ओएसएम, और इसी तरह उन्होंने यहाँ पर बताया दिस फाइल वाज लास्ट मॉडिफाइड 18 आवर्स, मींस ये वंस ए डे जो है ये अपडेट होते रहते हैं। तो मतलब मोस्ट अपडेटेड डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है, तब यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास शेव फाइल फॉर्मेट में आपके पास डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट वन जो है बीबी बाइक एक्सट्रैक्ट, ये बहुत बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ से मोस्टली आपका जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है उसकी शेव फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब ये बीबी बाइक एक्सट्रैक्ट की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का लेआउट आपके पास ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हियर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ऐसा पॉलीगॉन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर फॉर सपोज आपका जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो कोई एक सेक्टर है, फॉर सपोज आई विल क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन इट, तो ये आपके पास ऐसे लेआउट के ऊपर जो है वो पॉलीगॉन के ऊपर आपके पास पॉइंट्स आएंगे, और इन पॉइंट्स को आप ड्रैग करके आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस दिस ओके एंड अगेन दिस। अब ऐसे आप मूव करके अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया है उसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मुझे अब यही एरिया रिक्वायर्ड थी तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ओके अब जूम करके मैं सेटिंग मज़ीद जो है एक्यूरेसी आप कर सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, लाइक इट। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने नेम ऑफ एरिया एक्सट्रैक्ट उस प्रोविंस का या उसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऐसी बार ओपन हो जाएगी लाइक दिस, इट टेक्स बिटवीन 2 to 7 मिनट्स टू एक्सट्रैक्ट एन एरिया फ्रॉम प्लेनेट ओएसएम। उसके बाद ये आपको एक मेल कर लेंगे, एक लिंक ओपन हो जाएगी, मेल आप अपना मेल ओपन करेंगे वहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास zip फॉर्मेट में आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसकी शेप फाइल डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी। हम आपको बता देते हैं कि मैंने इन डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर से शेप फाइल्स डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव रखा है, और आज के लेसन नंबर 1 के अंदर वो इंपोर्ट करवा के बताएंगे कि वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके अब मैंने आज जाए इस कोर्स बिगनर इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया है लेसन नंबर 1 के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव शेप्स, लाइक अब मैंने डिवास से यहाँ पर सेलेक्ट किया था कुछ शेप फाइल्स, लाइक अब हम सेलेक्ट करते हैं 1, 2 and 3 बाउंड्रीज को एड कर देते हैं। अब ऐसे हमारे पास ये सारा ओपन हो गया। ओके अब देखिए फर्स्ट वन के अंदर जो है कंट्री की जो बाउंड्री लेयर है ये हमारे पास आ गई है शेप फाइल फॉर्मेट के अंदर, और सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोविंस का हमारे पास बाउंड्री सेव हो गया है, शेप फाइल आ गई है, और थर्ड नंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये फाइल फॉर्मेट हमारे पास आ गई। और आप उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपकमिंग लेसन्स के लिए आप इंटरेस्ट रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि अपकमिंग जो लेसन है वो आप तक पहुँचते रहेगा, और इसी लेआउट के ऊपर हम काम करते रहेंगे ऑनवर्ड। हमारे पास जो 15 लेसन्स हमने डिज़ाइन किए थे उन सब की एक्सरसाइज हम इसी लेआउट के ऊपर हम कर रहे होंगे, जैसे कि आज हमारा लेसन नंबर 1 यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है। तो होप सो ऑनवर्ड भी हम यहीं कंटिन्यू करते रहेंगे, और 15 जितने भी हमारे लेसन्स हैं वो प्रैक्टिकली इसी तरह ही करके मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इन टच, बाय, अल्लाह हाफिज़।